पे तो फिर बच्चा भी बोल पड़ेगा, क्योंकि आज खास कर्म हो रहा है कि मखदूमा की तरफ से। अल्लाह कहता मैं वो काली कर्म, एक लफ्ज उसको समझ रहे, जिसने दो बराबर के समंदरों को आपस में मिलाया। एक दफा अच्छा आलो जने जवान बैठे भाई, जो बराबर में बोले कि बड़ा मैं सलाम कर रहा हूं, चूंकि बाहर आए हैं तो बराबर है। तस्लिया कैसे गए, कल भी बताया था आपको, तस्लिया का सीधा बनता ही ताबे जब दोनों बराबर हो। जिस सरकार ने फरमाया नहीं तारे कुफी को मुसकला है, मैं तो में दो बराबर की चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। किताब अल्लाह है भाई तो रदिया हम बहुत ही, एक अल्लाह की किताब दूसरी मेरी अहले बैत, यानी कुरान और अहले बैत बराबर है। सर मानने वाले को भी मैं दाल दूंगा जो यूं यूं करता रहे। चलो अच्छी बात है, ये भी कुरान और अहले बैत बराबर है। ये वाले बराबर ना भजन, ये वाले बराबर मेरे बच्चों आपने समझना है, बुजुर्ग मुझसे मिलते रहते हैं, ये वाले बराबर धर्मानी के बाद, यानी जो जो कुरान है छेड़ो यार, आपका वक्त जाय होता है, मेरा नहीं होता जो चुप करके बैठे रहते हो। मैं जब शुरू करता हूं तो मैं घड़ी देख लेता हूं, 60 मिनट वाजिब होते हैं। अगर नाफला होता है छेड़ो तो फिर छिड़ता है बंदा। रोज कहता हूं आपको पहले मरहल्ले में छेड़ लिया करो ताकि सब कुछ उगल के चला जाए। जो कुरान और अहले बैत से करें हम पास, ये हदीस मसला मेरे मशवरे से नहीं है, सरकार मुस्तफा ने अपनी जिंदगी के आखिरी सांसों में ये फरमाया था कि मैं तुम में दो बराबर की चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान दूसरी मेरी की तरफ। बराबर बनता ही तब है कि जो जो कुरान है दो दो अहले बैत है। अब फैसला आज दे दो तो कल आप मुझे दाद ना देना, अगर जनाब कुरान पैदा हुआ है तो फिर अली भी पैदा हुआ। जो हाथ उठ गया है ये हाथ नजर के शाह से खैरात नहीं है, जो बिस्मिल्लाह की मेहरबानी आपका हाथ उठना मेरे लिए दुआ है। हाथ उठे जवान है छुपी हुई है। दो समंदरों को मिला देना तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? अल्लाह कहता है तुझे पता नहीं चल रहा हमारा जल बाहर है नहीं जलता क्या भाई ना हुमा फर्जा खुल्ला, जब गया दोनों समंदर मिल भी गए और पर्दा भी रहा। तुझे हर जवान दे दोनों के दरमियान आप जी और दोनों के दरमियान पर्दा मिला।
फास्ट वो पर्दा ना जब गया उनको यूं मिलने नहीं देता, मिले भी है पर्दा भी है। आयत पढ़ रहा हूं रिवायत नहीं, वरना रिवायत पर तो कह सकता है ना कि यार रावी नहीं मिल रहा, रिवायत सही है, किताब फुला है, कुरान है। जो कुरान की ना माने तो मेरे ख्याल में तो फिर कोई इस्लाम के दायरे से खारिज ही है, क्योंकि जो मुसलमान उसको कुरान की माननी पड़ेगी। अल्लाह कहते माना चल बहाना ने जलता गया, दोनों समंदर मिल भी गए, लाजब गया फिर नहीं मिले, क्योंकि दोनों के दरमियान पर्दा है, बाहर एक पर्दा भी है, मिले भी फख्र किस बात का है। अल्लाह कहते तुझे नहीं समझ आते, दोनों समंदर मिल भी गए पर्दा भी रहा मोती भी निकले। तो हाथ उठ गया है, हाथ उसने की अम्मा से फैला ले लिया, तो हाथ नहीं उठा सका, ना करे हमारा मेहमान हो शिया ना हो। आखिरी बात भी मसला मार्फत वाले लोग मिल गए। हाँ मार्फत कितनी होती है आओ तो मैं बताऊँ, मार्फत है क्या कि बंदा अली के सामने कान पकड़ के खड़ा हो जाए कि मौला मुझे नहीं पता तू क्या है। दो बुजुर्ग ना जवान जवान हाथ नीचे रखे जीते रहो, बच्चे खुश हो रहे बशर का काम नहीं अली के बारे में फैसला देना, मुशायरी का भी यही जुर्म है, उसने फैसला दिया कि अली ये है, फैसला देना हराम है, फैसला देना हराम है। बंदे का चलो एक बात सुनो, मस्जिद नबी में चार बंदे बैठे थे, आलम का बात है, आपस में बातें कर रहे थे कि बिल्ला अली क्या है, ये आपस में बहस कर रहे थे। 650 साल का सम्मान उन लोगों के पास से गुजरे, बातें सुनी, रुक गए, फरमाते हैं आपस में क्यों बहस कर रहे हो, जो कायनात के फैसले करने आया है हुसैन का नाना उन्हीं से पूछ लेते हैं क्या बात है कि अली क्या है। सात बंदों को लेकर या आप लुत्फ लेना, सात बंदों को लेकर जनाब सलमान सरकार मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए, हाथ बात कहते सरकार जी आपस में बहस कर रहे थे, मैं आपकी बारगाह में ले आया हूँ, आपने अपनी बाबा जनते की जबान से बताया कि अली क्या है। अभी लब है मुस्तफा मुतहरक हुए नहीं, फनसल जिब्रील अलल अर्ज, फौरन जिब्रील जमीन पर नाजिल हुआ, अपने दोनों हाथ सरकार के नालायक पर रखे, कहते सरकार अल्लाह कह रहा है अम्मा यादा सालूना अनिल लावारे अजीम, अभी कुछ से ये अजीम खबर के बारे में पूछने आए हैं। अन करीब अन करीब अल्लाह बताएगा कि अली क्या है। अन करीब से मुराद सबने ब्रैकेट में लिखा है कयामत, कयामत तक तो तुझे इंतजार करना पड़ेगा कि अली क्या है। अगर सारे बोल पड़ते तो कुछ शर्मीले ना बना करो, मौला अली की विलायत की कसम है मैं अपने आप को दाद दे दूंगा। शहीद मुसनद भी मुझे फरमाते थे जब तुझे मजमा दाद ना दे तो खुद को बाबा कर लिया कर, ताकि अंदर के खतीब मुतमैन रहे, उसे बेचैन करके जाफर ने कभी सुनाया ही नहीं है। यानी कयामत के दिन अल्लाह कहते मैं बताऊंगा कि अली क्या है। कयामत का दिन दुनिया के लिए यौम हिसाब होगा, तेरे लिए यौम अली होगा। तो आप उठा सकते हैं जिनकी छत पे अलम है, मुझे मेहरबानी सैयद मेहरबानी
अच्छा बोलो तो ठीक है यार, मेरे जवान बैठे हो एंड थोड़ा इसमें फैसला हम नहीं दे सकते। मैंने दो समंदरों को आपस में मिलाया, दोनों समंदर मिल भी गए, पर्दा भी रहा, मोती भी दिख गए। पिंपल पे खड़ा हूँ, मैं एक पिंपू है, जिम्मेदार शहर है, जिम्मेदार बानियान है, जिम्मेदार जगह पे खड़ा हूँ। कौन को मुझ पर इतना एतमाद है, उसने मेरे हवाले मैक किया है कि तू जो बोल मैक पे बोल। मैं कौन के एतमाद को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहूंगा, ना पहुंचूंगा, ना मेरी आदत है। लेकिन जो हक है वो बच्चों तक पहुंचाना मेरा हक है। शिया तफसीर का नाम है मजमाउल बहराइन, बिरादरान इस्लाम की तफसीर का नाम है दुर्रे मंसूर। किताबें दो है, रिवायत दोनों में एक है कि सरकार मुस्तफा ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठ कर इन्हीं आयात की तिलावत शुरू की। माना जब बहराइन यलता कयान बैनहुमा बरज़खुन ला यबगयान फबिअय्या ला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यखरुजु मिनहुमा अल-लौलू वल-मरजान फबिअय्या ला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कि मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि हबीब मैंने दो समंदरों को आपस में मिलाया है, फिर दोनों समंदर मिल भी गए। मेरा फेफड़ा ठीक है, आपके भी ठीक होंगे। दोनों समंदर मिल भी गए, फिर दरमियान में पर्दा भी रहा, फिर पर्दा भी रहा, फिर मोती भी निकले। दरमियान में एक बंदा उठा, उसने बिरादरी सरकार के सामने हाथ बांधकर कहता है, अल्लाह के पाक महबूब, आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारी जहालत का पर्दा तो चाक कीजिए। वो दो समंदर कौन है? जो दरमियान में पर्दा है वो कौन है? जो मोती निकले है वो कौन है? मुस्कुरा के सरकार फरमाते, सुनो, इन अली जन वल फातिमा फहरान अमीका ने मिनल वनल हिजा। फरमाया, अल्लाह के एक समंदर का नाम अली है, दूसरे समंदर का नाम मेरी बेटी बतूल है। जो दोनों के दरमियान पर्दा है वो मैं खुद रसूल। अब हाथ नीचे न करना, नीचे न करना, नीचे न करना। जो जवान बैठे हो, बुजुर्ग हाथ ना भी उठाए तो खैर है, जवान हाथ नहीं भी लगना सके। फरमाते, एक समंदर का नाम अली है, दूसरे समंदर का नाम मेरी बेटी सैयदा है, दोनों के दरमियान पर्दा मैं रसूल हूँ। फरमाया, जब भी मिलते हैं, जहां भी मिलते हैं, जिस वक्त भी मिलते हैं, मैं मुस्तफा हुक्म खुदा की रोशनी में रूहानी तौर पर दोनों के दरमियान बंदे के तौर पर मौजूद होता हूँ। तू जो शिया होकर भी कहता है कि चौदह हम जैसे है, आज ठोक वंचन में जाफर जो कोई मानता है कि चौदह तेरे जैसे है, लेकिन एक काम कर, अपने सुसन को दरमियान में बिठा, फिर बाप बन के दिखा। दूसरा बेटा मरजान है, हसन लो लो है,
हुसैन मरजान है, वो पंजाब में बड़ा मसला हो रहा है, जहां बंदा उलमा से या मौलवी से पूछे तो दांतों को पसीना आ जाता है, वो मसला हल हो रहा है। हुसैन मरजान है, हसन लोलो है, लोलो मोती होता है। यही वजह है कि इमामत नस्ल हसन में नहीं, औलाद हुसैन में, क्योंकि हसन मोती है, मोती एक होता है, मरजान की शाखें होती है। कैसे लोगों के हाथ बुलंद हो गए यार, पढ़ा लिखा तबका मुझे सुन रहा है, मुझे छोटे ग्रेड के बंदे नहीं सुन रहे, बड़े आला आला लोग सुन रहे हैं, नौजवान कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे, पढ़े लिखे लोग, हाथ ऊंचे, हैदरी बहराइन की मंजिल है, ये दोनों बराबर है। गांव भी सैयदों का साथ, शहर भी सादात का, सैयद से ज्यादा सैयद, पानीयान भी सैयद, अजरनार भी खुश होने वाले मिल गए। एक लफ्ज कहता हूँ और जिंदगी में पहली दफा कह रहा हूँ, और उसके लिए मैं आपसे और मंगवाना चाहता हूँ, सादात से और नजरदारों से। पता नहीं किस मकाम में खड़ी है हुसैन की माँ, जो पर्दादार होकर भी अली के बराबर है। छोटे बंदे के बराबर नहीं है, किबरियाई का बदन जो रखता है अली उसके बराबर है, जो तुझे बतूल सुनाई गई है वो बतूल की शान नहीं। मैं माफी मांगूंगा जनाब से कि जब भी सीरत सैयदा किसी से पूछी हमने कि जनाब मखदूमा की सीरत क्या है, वो कहते चक्की चलाना बतूल की सीरत है। ये सीरत नहीं है, वाकया है, इसको छेड़े ने? सीरत ने यार, क्या बात है आपकी भैया, सीरत सैयदा ये नहीं है। बंदे क्या कहते हैं, यार सूरत पे ना जाना, सीरत पे जाना, इसका मतलब है सीरत छुपी होती है, सूरत जाहिर होती है। चक्की चलाना बतूल की सीरत है, ये वाकया है। मैं क्यों आया, टैक्स ला ढोल बंजन हुसैन की नौकरी करने, मजलिस पढ़ने, आपकी खिदमत करने, आपके अकीदे की वकालत करने, हुक्म की तामील करने। वो हमारे डेरे पर बैठ कर चाय पी, जिसने मुझे चाय पीते हुए देखा उसने कहा जाफर ढोक चाय पीने आया था। क्या बात है, ऐसा भी नमाज है। मुर्शिद, मैं बाबा जी के घर बैठकर खाना खाया, जिसने मुझे खाना खाते देखा उसने मशहूर कर दिया पूरे इस्लामाबाद कैंट में, जाफर ढोक में आज खाना खाने आया था। ना मैं खाना खाने आया, ना मैं चाय पीने आया, ना मैं शॉपिंग करने आया, मैं आया हुसैन की मजलिस पर। ये तीन चार वाकये थे जो हो गए, अब बोले हो तो जमीन छोड़ के भी बोले तो बात थोड़ी है। नहीं आई जमीन पे चक्की चलाने शफीर की माँ, अगर याद रखे जमाना, अगर बतूल कभी भी चक्की ना चला दी, अगर खाने वाला हुसैन ना होता। ये जो हाथ उठे हैं ये हाथ हुसैन की माँ से है, ज्यादा
मैं जुमला है बीबी के, मैं अपने जानिब से नहीं कह रहा, मैं पहले भी कहा कि मैं एक मस्जिद फिरका के लिए पढ़ रहा हूँ, शिया में अदर करार के लिए, और जो शियों में भी हमें लोग अच्छा नहीं समझते तो उनके लिए भी नहीं पढ़ रहा। अली एडा सस्ता नहीं जो सारे को दिता जाए, अली मुकद्दर का नाम है, जिसके नसीब में है वही मिलेगा, जितना मांगोगे अल्लाह से उतना मिलेगा, जिस अल्लाह से बेटे मांगते हो कभी उससे अली की मार्फत मांग, बेटे तो अली के नौकर है, अली बेटे तो अली के नौकर दे देते हैं, अली नहीं अली अली चौबीस पच्चीस मिनट उधर गए तो समझ लें, मसला नहीं है, जैसे आप चले गए वैसे नौकर आते, इसके बाद मैंने कहीं नहीं जाना होता, बस जहां अगले दिन पढ़ना होता वहां करीब जाना होता, बाकी तो फिर आपकी हिम्मत में खड़े सीरत सैयदा ये नहीं है, याद रखना उन्होंने छेड़ दिए, मैं छिड़ा हुआ हूं, अगर ये छोड़े नहीं तो जितने भी अली के कमालात हैं मुझे नहीं पता कितने, जितने भी हर कमाल के पीछे सैयदा की कोई मंशा है, वजह बतूल है अली के हर कमाल के पीछे, आपने खुद कहा है कि नहीं छोड़ेंगे, अब इमाम बारगाह में वादा किया है निभाना तो वाजिब हो जाएगा, बहर गली में करते तो फिर खैर थी, अब हुसैन के घर में वादा कर लिया, हर कमाल के पीछे वजह सैयदा है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अली काबे में गए, इसके पीछे वजह फतूल है, चूंकि अल्लाह को पता था कि अली की शादी होनी है सैयदा के साथ, अगर कभी कभी बतूल नाज में आके अली से कह दे कि या अली मैं वो हूं जो मुस्तफा के घर में आई हूं, तो फिर मेरा अली भी सीना तान के कहे मैं खुदा के घर में, ऊंचा बोले हर जवान है अली, हर बंदे को मैं बाबा कह रहा हूं, हर बंदे को मैं बाबा कह रहा इस पर, तो फिर अगर मुझे हुक्म होता तो जनाब इसलिए ना मैं हमसे ही पढ़ा जाता, बड़ा लुत्फा था। हाँ सैयदा का इसमें गिरामी क्या है, फातिमा, आपने इस पर बड़ी तशरीह और नमाज से सुनी होगी, एक नौकर से भी सुन लो, तोल के लूंगा तोल के दूंगा, पत्ती बराबर कीमत कम मिली मसाइल पड़ूंगा, चूंकि जिगर दे रहा, आपके छठे मौला से पूछा गया मौला आपकी जद्दा मुकद्दसा का नाम फातिमा क्यों है, सरकार फरमाते हैं कि फातिमा निकला है फतम से, वे तो है मीम फतम, फतम अरबी में उस बच्चे को कहते हैं जिसने अभी मां का दूध छोड़ा हो और वो होता है दो साल का, चूंकि दूध पीने की मुद्दत दो साल है, दो साल के बाद नहीं छोड़ा हो, क्योंकि उसके बाद शऊर आना शुरू हो जाता है, जितना दो साल का बच्चा, मैं यहां इशारा कर सकता हूं, जितना दो साल का बच्चे को अपनी मां की मार्फत होती है कितनी भी होती है, उसे कितना शऊर होगा अपनी मां का, नहीं दो साल के बच्चे देखे, हम खुद दो साल के सन से गुजरे, जिस तरह खेल रहा है खेल रहा है, बैठा है तो बैठा है, और खुदा का रास्ता खुद समझाओ, वह सादिक फरमाते हैं, मैं जुमला कहने लगा हूं, सादिक फरमाते हैं जितना दो साल का बच्चे को मां की मार्फत होती है इतनी पूरी खुदाई मेरी दादी को जानती है, शान सुनने वाला साथ ना मारे, हाथ बुलंद करे, हे अली,
कीमत दी है भाई, मैं अली के बराबर है, छोटा मंत है कि बिरयानी का बदल नहीं था। अल्लाह ने अली को का जुमला है, चला इस तरह से बस जुमला है, अल्लाह जब जुमला खान जुमला में कि बिरयानी का बदल जो दिया, इसके पीछे भी सबब सैयदा है, जो अल्लाह को पता था अली के घर में जौजा बन की जाएगी। जब शौहर घर में है, जौजा पर वाजिब होता है एहतराम में खड़ी हो जाती है। अल्लाह ने कहा मैं नहीं चाहता कि बतूल किसी बशर के जिस्म के लिए उठे। आज उसे चाहो सारे मेहरबानी सैयद बादशाह जो सैयद बैठे ज्यादा खुश हो जाओ आज तो। याद रखो पीरो दुश्मनी तुम्हारी है, गल मैं अपने पाई हुई है, मेरी वजह तो मेरे दादे की वजह तो लोग मैं काफिर नहीं आते, पीरों की वजह तो आते हैं। चंगा नौकर वो होता है जो सरदार की दुश्मनी अपने घर पा लवे। सैयद इस जुमले पे नहीं बोलेंगे कयामत के दिन मैं तुम्हारी दादी को शिकायत लगाऊंगा, उम्मती ना बोले मैंने अपने भाई है मैं इनसे दाद छीन लूंगा। याद रखो जो इमामत है ना इमामत, ये अली की वरासत नहीं बतूल की वरासत है। अगर इमामत अली की वरासत होती तो अली के सारे बेटे इमाम होते। बुजुर्ग नहीं कहता जो जवान बैठे उन्हें तो गिनना चाहिए, बतूल को सलाम करते दो, अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। हाँ वादा है, यहाँ जो सैयदा के सलाम के लिए उठ रहा है तो ना भी मां फिर भी पुर होके वापस आएगा, छोटा बात नहीं है। आप सलामत है, आप सलामत है, मुस्कुरा रहे हो तो ना देखो हर चेहरे पर मुस्कुरा कर, हर बंदा खुश है, हर सैयद हर उम्मती हर मातमीन खुश बैठे जी। पीछे सैयदा के वजह सैयदा है अली की हर शान के पीछे। एक किताब है जिसके पांच सफे, वो पांच सफहात सैयदा और अली की आपस में मकालमा है। एक बात अली करते हैं एक बात बतूल करती है, फिर एक बात सैयदा करते हैं एक बात अली करते हैं, ये मकालमा है। पांच सफा तो नहीं पढ़े जाएंगे, सत्तर एक सुनाता हूँ। अपनी जगह पर बैठकर अली जुल्फकार मांझ रहे थे और चंद कदमों के फासले पर बैठकर सैयदा बर्तन धो रही थी। अच्छा भाई बाबा जी अली के भी अपने मुकद्दर हैं, कहते बर्तन बतूल धोवे। यानी तेरी शान को लोग सड़ते ने और गल कोई नहीं, तेरे मुकद्दर तो नाराज ने लोग। वही से आवाज थी शाहिद बिलाल ने, उमर हसन, हसन की मां जी बादशाह
अली फरमाते बात तो ऐसी कोई नहीं हुई, मुस्कराने का सबब बर्तन जमीन पर रख के इस्मत खोलने खोले ईमान के सामने हाथ बांध के कह दिए बात तो वाकई नहीं हुई, तो पहले सरकार खुद मुस्कराए हैं। दिल कर रहा है कि हर बंदा खुश हो जाए, और बात नहीं है दाद ये बड़ी कमाल दे रहे थे मेरे सामने सैयद बैठे बुजुर्गान बैठे, तो आप क्यों मुस्कराए, यूं करूं यूं करूं कैसे करूं, जो आपको पसंद हो जो आप कहते हैं इसको तो मेरे बच्चों मैं करने के लिए तैयार हूं, आपको खुद ही पसंद होते हैं तू यूं क्या करूं। अली फरमाते बतूल मैं तो इस वजह से मुस्कराया हूं कि जिन हाथों से मैं जुल्फकार मांझ रहा हूं इन्हीं से मैंने आदम को बनाया हूं। जब अली ने कहा नहीं हाथों से मैंने आदम को बनाया, बर्तन जमीन पे रख के तत्हीर की चादर सर पे रख के अली के सामने आकर कह दिए कनीज मसला पूछने आई है। अली फरमाते पूछो, बीबी कहती आदम को तो आपने बनाया है, हवा को किसने बनाया। तो सैयदा के लिए सलाम हाथ कर रहा जो हुसैन की अम्मा को सलाम कर सकता है। मैं आपके सामने इतना बड़ा दावा करूं लेकिन किया है
नहीं फरमाते उसका सबब किस वजह से किया है। सादात में दुआ दे ये मुस्कुरा भी पैदा ना। बीबी कहते यार ये सब मसला यह है कि आपके अली से कह दिए जो काबे में आए, यानी आपके और मेरे दुनिया में जो आने के तरीके हैं वो अलग अलग है। मैंने पहले कहा था कि मैं अपने आप को दान दे दूं, क्योंकि अब आप बोलेंगे मेरे साथ। सब कुछ जानते थे अली, जान बूझ के पूछ रहे हैं, अगर ना पूछते तो हम जहलों का कैसे बात पहुंचे। अली फरमाते कैसे अलग अलग है, ऐसा मुकाम है वजहुल्ला और हिजाबुल्ला बोल रहे हैं। जी 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 ईमान कुल और इस्मत कुल बोल रहे हैं। लुत्फ आ रहे ना आपको भी। बीबी कहते हैं यार ये मसला यह है कि आप पेशानी आदम में चमके, फिर पेशानी शीश में चमके, फिर पेशानी तारुफ में चमके, फिर पेशानी इब्राहिम में चमके, फिर पेशानी इस्माइल में चमके, फिर पेशानी नसार में चमके, फिर पेशानी हाशिम में चमके, फिर पेशानी अब्दुल मुत्तलिब में चमके, फिर पेशानी अबू तालिब में चमके, उसके बाद आगोश फातिमा बिनत असद में आए। अली फरमाते बिल्कुल। बीबी कहते यानी तेरी विलादत की कसम मैंने ये सफर नहीं किए। फेफड़ा ठीक है ऊंचा बोलिया करे, ये फेफड़ा नहीं ठीक है फिर से सुनवा। अली फरमाते वो कैसे तबीर की चादर उतार कर अली की चूंकि पे रख के कहते या अली जान बूझ के फोले बन रहे हो इस बात के, तू अकेला गवाह है या अली। अली फरमाते मैं कैसा गवाह। बीबी कहते जब बाबा मेराज पे गए थे बाबा जन्नत की सैर करने के लिए जन्नत में गए। बच्चों जागना, जन्नत में एक सेब का दरख्त था, अब दांत थोड़ी निकल गई, उस पर एक सेब लगा हुआ था। बाबा का जी चाहा मैं सेब खाऊं, अब फैसला आप पर छोड़ा मौलवी पे नहीं, खुद बताना है कि ये कैसी है। या अली बाबा ने सेब तोड़ा आधा खा लिया आधा गायब हो गया। अली फरमाते जो खाया वो किधर गया, जो गायब हुआ वो किधर गया। हाथ बांध के कहते या अली तू कोई मुकद्दर का धनी है और दोनों हिस्सों का तू अकेला अली मालिक है, आधे की मैं बनी थी आधे की तेरी तलवार। दो काम है जो अल्लाह ने जिब्रील के बगैर किए, डायरेक्ट अपने महबूब को हुक्म बगैर जिब्रील काम ढेर सारे, मैं दो ही बता सकता हूँ। एक अली की विलायत का हुक्म अल्लाह ने डायरेक्ट दिया शबे मेराज, अल्लाह कहते मैंने वही की अपने बंदे पे चौथी। एक ये काम, दूसरा सैयदा का रिश्ता अल्लाह ने खुद मांगा। थोड़ी बात नहीं है दीदी, अगर हमारे जैसे छोटे लोगों के घर में भी लोग रिश्ते लेकर आए तो किसी बुजुर्ग को लेके आते हैं। ये दुनिया का बशरियत का कानून है, अल्लाह बतूल का रिश्ता मांग रहा है अली के लिए। और ये वह जोड़ा है जिसके दो अख दो, एक आसमान पर एक जमीन पर। आसमान पर इंतजाम अल्लाह की तरफ से हुआ, जमीन पर सरकार मुस्तफा ने किया। और मौला के मिंबर की कसम खा के आ रहा हूं, थक गया तो मुझे क्या, थोड़े से फ्रेश हो जाओ, एक बात करने का मेरा दिल कर रहा है। ये वाहिद अली और बतूल है जिनका वलीमा, अली का वलीमा 6 महीने हुआ है।
चल सही फिर अच्छा तुझसे चाहो तो फिर बाहर लाने इंतजाम किया जमीन पर सरकार ने उसको मार दिया। जो रिवायत छोटी से छोटी है वही चलो सुना देने से यार बंदे तो बर्दाश्त हो गए कि वहां आकर जिब्रील ने पढ़ा तो जमीन पर सरकार मुस्तफा ने पढ़ा। तो चूंकि सरकार मुस्तफा अफजल है जिब्रील तो रसूल का खादिम है तो मैं जमीन वाले ही बात कर रहा हूँ। निकाह खास जमीन पे पढ़ा है सरकार मुस्तफा खुद बेटी की गोजरे में तशरीफ ले है जब वक्त होने लगा सरकार ने अपना रिसालत वाला नबूवत वाला इमामत वाला विलायत वाला शान वाला शौकत वाला इस्मत वाला तहारत वाला हाथ अपनी बेटी के सर पे बिला तशबीह रखा। मैं तो समझा था थक गए होंगे लेकिन आप थोड़ा सा था तो हम हैं आज ना क्या कहते हैं बेटा मेहरबानी जी बाबा सलाम बीबी ने सलाम का जवाब दिया फरमाते बेटा मैं 500 दिरहम हक महर के इवज आपका निकाह अली बिन अबी तालिब के साथ पढ़ा दूं इजाजत है। वो मखदूमा जिसने हया को हया होने के ढंग सिखाए सैयदा ने चेहरे से पर्दा हटाया पापा को देखा और चूल्हा बाबा जी बेटा बाबा आप अपनी मर्जी से मेरी शादी अली से करवा रहे हैं या वो अली इस अली का घर आबाद देखना चाहता है। क्या बात है ढोल को बंजर वाले हो टैक्स लाए वाह कहते गिनती है यार कहां कहां के सरदार तशरीफ रहे मौला के समय में दिल से दुआ दे रहे इधर वाले बोलते थोड़े हैं लेकिन फिर भी मैं दुआ आपको ढेर सारी दे मौला आप पर ज्यादा करम करे। तो बेटा आपसे बेहतर कौन जानता है मुझे मैं बाबा जानते कि जबान के मालिक हूँ जब तक वो वही ना करे मेरे नाम हरकत ही नहीं करते उसी की मर्जी है कि आपकी शादी अली के साथ हो जिसमें सोना हराम है। हाँ बिल्कुल मैं फतवा नहीं दे रहा जो लिखा है वो बता रहा तो बेटा अल्लाह की मर्जी से करवा बाबा जी अभी मेरे चैन से भी 15-14 मिनट रहते हैं हाथ बांधो उनके सामने बीबी कहते बाबा अगर तो करना है आप अपनी मर्जी से मेरी शादी अली के साथ तो फिर 500 दिरहम क्या मैं एक दिरहम भी नहीं लेती अगर वो अली का घर आबाद देखना चाहता है तो फिर मैं फातिमा हूं। हाथ बांधे हैं आपके सामने ना छोड़ना 2 मिनट क्यों क्यों फिर मैं सैयदा हक महर मेरे मियां का होना चाहिए तो और वीडियो बनाना है यार वीडियो भी बना तो आदमी दे वरना शक में है ये जासूसी कराना है जागना सर बिस्मिल्लाह बस ये चोला का जिब्रील आ गया जमीन पर दस्तक दी उसने दरवाजे पर मौला के अम्र के साथ सरकार बाहर गया तो जिब्रील हक में 1 रुपया हो 100 जगह का या 1 करोड़ देना अपनी जेब से तो पहुंच गए हो जाकर मौला के सामने बोल पा दिया ये जी नौकर हो गया थोड़ा लोग बन जाते बच्चा फोन करे तो जा पा अपने खरीदार मुझे अच्छे काम मिलेंगे। अब अली का हक महल अदा हो रहा है जरा तवज्जो फरमाइएगा फिर मैं देखता हूँ कितने खुश होते हैं आप। जिब्रील ने कहा सरकार अल्लाह ने हक महल लिख के भेजा है मखदूमा के लिए ये सुना के है हक महल अली का है सब रंग का रुका सरकार के हाथ में अंदर तशरीफ लाए बेटा जी बाबा अल्लाह ने हक महल लिख के भेजा है। बीबी कहते बाबा क्या लिख के भेजा उस करीम ने अल्लाह कहते जितनी जमीनें हैं ना सारी तेरा हक महल जमीन हक महर सैयदा का है तो इसका मतलब है मलकियत अली की है। अगर तू शिया होकर भी अली के बारे में नहीं आता ना तो फिर जरा सजदा जमीन पे ना किया कर। हाथ नहीं उठा सके हो ससुराल पे आ रहे हैं फेफड़ा ठीक है चमल है अली
अब मैं एक मिनट की बात है, बीबी कहती बाबा उस मालिक ने कर्म किया लेकिन बहुत थोड़ा बड़े घर की बच्चियों के हक में बड़े होते हैं। कायनात के सबसे बड़े बंदे की सरदार की बेटी है, हक में क्या होना चाहिए। और बीबी ने कहा थोड़ा है, फिर जबरील आ गया और बीबी कसम फिर समझरण करो का सरकार ये सुन लीजिए सैयद आ गया फिर रसूल है बेटा अल्लाह कह रहे सारे आसमान और जन्नत के मंगते हो सारे आसमान तेरा हक में। बीबी कहते बाबा उस करीम ने फिर कर्म किया है लेकिन मुझे फातिमा कहते हैं थोड़ा। थोड़ा है फिर जबरील आगे तीसरा रुका ले मौलन के सब फिर खा रहा सरकार अल्लाह कह रहे कि फिर सुनाइए ये हक में फिर भेजा है। सरकार बड़े मुस्कुराए बेटा जी बाबा अब तो उस करीम ने हद कर दिया। बीबी कहते बाबा सलाह हद ने क्या हद की। अल्लाह कहता है जमीन आसमान छोड़ो ये भी दे दिए पूरी कायनात बेटा आपका हक में। बीबी कहती है बाबा बहुत थोड़ा है मेरा दिल करता मेज के हाथ मारा थोड़ा है ये जुमला मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हम सादा लोग हैं तो सादा बातें पसंद आती है आपसे आप सुना मुझे बहुत पसंद है अपनी पसंद सुना रहा हूँ नाम भी पसंद है तो खैर जब कायनात के बीबी ने कहा था थोड़ा है तो पूरी कायनात से जिब्रील का मुंह उतर गया लगे तो तेरा मुंह क्यों उतर गया है। अम्मा ने कायनात लिखी थी बेटी बातों में कह रही थोड़ा है उस्ताद की बारात में खाली जाए अली उस्ताद है ना जिब्रील का अल्लाह कहते हैं अली की बारात और खाली ये किसने कहा है अगर वो फातिमा है तो मैं अल्लाह हूं मेरी एक कुन में ऐसी कई कायनातें मौजूद है पूछ तो सही मेरे महबूब की बेटी से हक महर में मांगना क्या चाहती है ये दो अलमों में मेरा हाथ है शबीर का मेरे शबीर पर मेरा हाथ है पर्दा दारों ने मखदूमा बैठी है आपके अंदर से रखे तेरह मासूम बैठे हैं तेरह की मौजूदगी के समझ चौथवी सैयदा की इज्जत की कसम है जब अल्लाह ने कहा ना पूछ मेरे महबूब की बेटी से हक महर मांगना क्या चाहती है और हक महर देना वाजिब होता है उस वक्त शबीर की माँ ने अपनी मसरत छोड़ी जमीन पे मुसल्ला बिछा के खालिक को सजदा करके कह दिए न जमीन चाहिए न आसमान चाहिए न कायनात चाहिए बस मेरे हक महल में लिख दे कि कयामत के दिन तू अली के शियों से हिसाब ले ले। दर्द भूल
बार गए तू खास करमे जनाबे सैयद आदा तो हम इतनी है दी खैरात तेरी पुख्तो मात आ कर दे वरना है दी निकलती जब तक पोते अली खैरात का न फरमा मैं पुत्र कुर्बान करा जेड़े है बैठे कर दे सैयद पुत्र के जवान हर बंदा पे कर दे अल्लाह ये अलम क्या था वो बच्चों के लिए पढ़ रहा हूं मेरा बेटा सामने चल किया करो सर पूछा किया करो मेरे चंदा वजह सो रही थी तो एक बंदा सर नीचे करके रो रहा था बच्चों को सुना रहा आपके छठे मौला अपनी जगह से उठे उस बंदे की दाढ़ी के नीचे हाथ रखा कहने सर उठे करके रो तेरे की में पता हो मुंता की में कर दी रही फिर पे कह जा जरबा की में मार दा जिन्हियां लाडलियां बेटियां सारियां जख्मी हो के दुनिया सब तो बड़ी लाडली हुसैन की मां मैं मुहर्रम के जुमला पढ़े सियालकोट पता नहीं सैयद ने उम्मत या हम बुजुर्ग उठ के मेरे मातम करके आते जाफर में के थी बाबा जी आते कैसा जुल्म है कि बगैर जंग तो जख्मी हुई हूं जेड़े सैयद बैठे हो मेरे माफी दे बैठे मैं थोड़ी कलीज का पुत्र हाँ जेड़े माफी बैठे हो दिल की नरमी तो माफी का मंगना अपनी कौम का छोटा जात ना जब वकील समझ के माफ कर दे गल बड़ी औखी मेरे वास्ते ते नजरिए च औखी है पता नहीं तेनू समझ आवे जां मैं ना समझा सका बंदे सारे जाकरी ने उस आमरुल माई कराम पढ़ते कि कितनी गुरबत है जब बंदा पुत्रां दे सामने किसी की मां नू मारे ये कितनी गुरबत है बंदा शौहर दे सामने उसकी सौजा नू मारे मैं सैदा तो माफी मंगी खलोता सब तो वड्डी गुरबत पता है केड़ी है जदों कोई इसे दी धी नू किसी दा नौकर मारे मोहम्मद दीनो ओ मोहम्मद न तेरे हाथ मार सकदे हो सिर ते यार तेरे पुतूर ते दम ते रोवण आए हो असरा 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 मैं पुतूर दी शहादत पढ़ी नहीं दिन जमा जो साने को लावा बाबा जी क्यों नहीं पढ़ता सैयद लुकाइए ना ते बतूल को डर लगता है जब पढ़ी है तो शर्म आता है की में दसी है कि मानते नहीं कदी कदी ना कूफा ते मिंबर ते बैठ के बिस्मिल्ला अली अपने अल्लाह के हाथ में पेश के साए फिर अली तलवार अरे मोहम्मद जान हाथ में तलवार वेच के फिर अली आते हैं मोहम्मद सासा बिन सुहाने अपने अली का नौकर ते दिल करिया जे ते बतूल दा वास्ता एक दफा सिर ते हाथ मारिया जे सासा जी दे कदमा ते हाथ रखिया ने मौला ये तलवार ते हाथ में के गुरबत दी सदा बुलंद क्यों करदे हो अली आदे नो मेरे तो वड्डा ही कोई गरीब है सासा अल्लाह अल्लाह हाथ भी है ये अल्लाह अली तलवार भी है ते मदीने दे लोग मेरे सामने बतूल नु मारदे ने अली फरमांदे ने मैं ओ गरीब आ जेड़ा बतूल नु छुड़ा ही नहीं सके पत्थर ते बंदा ना बढ़िया दे बतूल ते दंद ते कोई बंदा शर्मा के है ना कीता करे बड़े बैठे हो जे छोटे अमीर बैठे हो जे गरीब तेरे छेवा मौला फरमे दे जेड़ा बंदा मेरी दादी बतूल ते दंद ते है नहीं करदा ओ हुसैन दे ते हजर बंदे ना होया करे क्योंकि हुसैन दा कत्ल उस दिन हो गया जदर बतूल दरबार गई Yeah.
साल पहले सिंध में मेरे पड़ी पांच जमातों साथी हूं जनाब मखदूम अली शाह साहब के हवाले ना मरद है जाफर बीबी ये मेरे मौत का देना तो कीमत सुना हूं मजलिस खत्म हो गई नगर तकसीम हो गया मोमिन चले गए फिर इमाम बारगाह जो आवाज आवे रोम दी मैं ते पानी मजलिस इमाम बारगाह से कहते 35 36 साल का जवान हूं दीवार नाल मत्था ला के है करके रोवे जेड़े सैयद बैठे हो जरूर है कर जाते मैं जवान ने सिर हाथ रखिया मैं कहया मजलिस मुक गई है हौसला कर जिथो आए आप मैं तेन घर सुनावा वो मेरी गल च बावा पा गया तो की बोला मैं डॉक्टर हाँ समझ गए हो क्या बात है मैं मिन्नत की थी बुजुर्ग तो जरूर है कि ना करो मैं कि डॉक्टर है तो रोता क्यों है आधा कि बोला मैंने पता है जिस दी हड्डी टूट जावे उन उधर तकलीफ होती है जब उनकी हड्डी नु कोई हरकत देवे तो मैं कि तू क्यों रोता है आधे बदबला जे दी पसलियां टूट जावे ना उन सा सा नाल तकलीफ होती है जेड़ा नहीं समझ सकया वो जाफर समझा नहीं सकदा हुसैन की मां दी अत्रे पसलियां टूट गई है